राधे राधे सभी भाइयों को। आज हमें यहाँ पे एमपी के महेर जिले में, यहाँ पड़ता है ये शारदा शक्तिपीठ है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आज हम यहाँ पे आए थे दर्शन करने इसके। तो यहाँ पे एक पहाड़ी पे है, माता का मंदिर है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। मंदिर पे चढ़ने के लिए 1051 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो ये यहाँ का मेन गेट है यहाँ पे शारदा माता का। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर। अभी यहाँ से थोड़ा दूर है तो ये यहाँ का मार्केट है, तो मार्केट देख सकते हो। तो चलते हैं माता का मंदिर, आइए। भाई देख सकते हो, ये है माँ शारदा प्रवेश द्वार, ये है माता के मंदिर का एंट्री गेट। भाई यहाँ जाने के लिए लाइन लगती है, देखिए ये रेलिंग लगा हुआ है यहाँ पे लाइन लगाने के लिए। और यहाँ पे सामान मिलता है सारा। अगर आपको इस मार्केट से कुछ खरीदना हो तो यहाँ से खरीद सकते हो। तो मार्केट में आपको दुपट्टा, सिंदूर और ये मालाएं इत्यादि सामान मिल जाएगा। भाई अभी दोपहर का वक्त है तो इसलिए भीड़ कम है, तो मॉर्निंग का समय होता है तो यहाँ पे भीड़ रहता है। और आज से नवरात्रे लग गए हैं तो आज से भीड़ और ज़्यादा रहेगा। जितने भी जो इस दुनिया में शक्तिपीठ है माता के, 51 शक्तिपीठ है, सारे शक्तिपीठों पर भीड़ रहती है। आप देख सकते हो वो पहाड़ है, वहाँ पर जाके माँ शारदा शक्तिपीठ है, आपको मैंने जूम करके दिखाया। वो मंदिर है, यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, वहाँ जाने के लिए 1051 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। जय माता दी। भैया ये यहाँ पे सामान मिलेगा आपको घर का। और ये बेलन फेलन है, ये दुकान है भैया का, क्या नाम है भैया दुकान का, कौन सा भैया? ये है यहाँ पे त्रिपाठी जनरेटर, ये शारदा मंदिर के पास में इनका दुकान। भैया ने हमसे कहा यहाँ का शूट कीजिए। अच्छी बात है भाई, जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है अगर कभी भी यहाँ महेर जिले में आए तो शारदा मंदिर के दर्शन करने जरूर आए, तो ये भैया की दुकान से सामान जरूर खरीदा है। भैया बता दीजिए कौन सी, ये पास में पड़ता है मंदिर के, कितना? अच्छा दुकान का क्या नाम है? अच्छा त्रिपाठी जनरल स्टोर। ठीक है भैया, त्रिपाठी जनरल स्टोर है। भैया का देखने से स्वभाव पता पड़ रहा है, बहुत अच्छे भैया है, क्योंकि पास में भैया ने रोक के, हर कोई नहीं रोकता है ऐसे करने के लिए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, भाई आगे निकलो आगे निकलो, ये सबको सामान रखते हैं, भाई आओ और हमारा भी थोड़ा प्रचार हो। इनकी दुकान पर जरूर आना है, जो भी मेरे ब्लॉग को देखे। भैया देखो यहाँ पे अब घर के जो उपयोग में होने वाली चीज़ें, यहाँ पे बेलन है और बच्चों के खेल खिलौने, यहाँ पे जो घर में सजाने का आइटम है, राम मंदिर का जो बाकी, यहाँ पे आपको एंटिक पीस मिल जाएंगे, जैसे पुरानी गाड़ियों के मॉडल्स हैं, घर के ये रखने का कुछ पेंसिल है, और बैंक के जो तो पैसा पैसा डालते हैं आप, स्टोर करते हैं, वो रखने का सामान आपको सारा बोर्ड में मिल जाएगा, लकड़ी में अच्छा सामान। और ये घर का देखिए सबसे अच्छा सामान, जो आप घर में रोजाना सामान में यूज, घर में यूज करते हो, जैसे लटकाने के लिए सजाने के लिए सामान भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये देखिए म्यूजिक में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिक में भी यूज होता है, ये सारे सामान आप देख सकते हो। तो भैया आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है हम चलते हैं आगे की तरह। भैया राधे राधे, और हमें वृंदावन से मथुरा से, ठीक है आप भी आइए कभी, ठीक है भैया राधे राधे, राधे राधे भैया, ठीक है चलते हैं भैया। राधे राधे सभी भाइयों को, अभी हम पहुंच चुके हैं माँ शारदा जाने वाला मंदिर है वहाँ की सीढ़ियों के पास। मंदिर जाने के लिए यहाँ से आपको 1051 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप माता के दर्शन कर सकते हैं। तो भाई आज से नवरात्र स्टार्ट हो गया है, तो सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप यहाँ पे आए कभी भी एमपी में, महेर जिले में आए, यहाँ पे माँ शारदा जी का एक शक्तिपीठ है जो माता का 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए दोस्तों मंदिर की तरफ हम चलते हैं। जय माता दी, आइए। ये है इसकी पहली सीढ़ी माता जी की मंदिर की, तो ऐसी हमें 1051 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। भाई ये सामने रास्ता है चढ़ने का, ये सामने रास्ता उतरने का है। तो यहाँ से देखिए दादा जी जा रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग जा रहे हैं, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। जय माता दी। भाई ये दोनों हैं सागर और अविनाश, जो लाल टी शर्ट में, ये सागर जो नीली टी शर्ट है, ये अविनाश। अविनाश भाई है जबलपुर के और ये सागर हमारा भांजा है, और हम साथ में यहाँ पे हैं एमपी में। तो थोड़ा किसी एग्जाम के सिलसिले से आए थे, तो थोड़ा सोचा कि माता जी के दर्शन करके चलते हैं, क्योंकि आज से नवरात्र चालू हो गया था। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, माता जी के मंदिर के लिए प्रसाद लिया था भाई, आप देख सकते हो। भाई मैंने आपको बताया था कि यहाँ मंदिर पर चढ़ने के लिए 1051 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो आप देख सकते हो हर सीढ़ी पर एक पार्टिकुलर नंबर लिखा हुआ है कि हम कौन कितना सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अभी तक हम देखिए 188वीं सीढ़ी पर है, 191, 192 लगभग, तो ऊपर तक ये
1051 सीढ़ियाँ हैं। शहर का नजारा देख सकते हो कैसा लगता है, ये बाकी पहाड़ियाँ सारे और हम ऊपर से पहाड़ से वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेलिंग लगा है, चारों तरफ नीचे भीड़ भी काफी है। ये है शारदा माता जी का मंदिर का गेट, आप देख सकते हैं जय माँ शारदे के लिखा है, आपको सुन करके दिखा देता हूँ। गैस देख सकते हो 1046 सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं, अभी और आगे चढ़ना बाकी है, तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में। देखिए ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है और आप देख सकते हो सामने और भगवान शिव की प्रतिमा है और सामने मंदिर है आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये माता जी का त्रिशूल लगा है यहाँ आगे और ये घंटा है और ये प्रांगण है, यहाँ से भी लाइन लगा हुआ है और सामने से भी यहाँ से घूम के आप परिक्रमा देती हो, यहाँ से भी निकल सकते हो ऐसे। तो ये माँ शारदा जी का मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो लगभग ये 500-600 साल पुराना है बताते हैं ये मंदिर। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये भी यहाँ पे लाइन लगा है और ये पीछे भी लाइन लगा है, यहाँ पे पीछे लोग आ रहे हैं। और ये है माता जी का मंदिर, आप शारदा माता जी का मंदिर है, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये माँ शारदा जी का मंदिर है, माता जी के मंदिर है एग्जिट भी, तो उधर से घुसते हैं, इधर से निकलते हैं, पर हम उधर से ऐसे परिक्रमा देते हुए सामने से घुसेंगे, इधर से निकल के आएंगे, जो ऊपर से लोग निकल रहे हैं यहीं से निकल के आएंगे। ये है माँ शारदा जी का मंदिर, यहाँ से आगे चला है, ठीक है, यहाँ से घुसेंगे अंदर से माँ शारदा शक्तिपीठ। आप देखते हो यहाँ काफ़ी भीड़ है, यहाँ पुलिस भी काफ़ी लगा हुआ है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ पर इस टाइम लाइट जल चुकी है और देना कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर लाइटों का। भाई ये अंदर का नज़ारा देख सकते हो, ये मंदिर का नज़ारा है अंदर अंदर का भाई, और मेरे इस मोबाइल में भाई बैटरी नहीं है तो अंदर का और ज़्यादा बना पाऊँ नहीं पता नहीं, देखते हैं भाई। दोस्तों हमें मंदिर के अंदर, आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का नज़ारा, अभी ये लाइन लगा हुआ है यहाँ पे आगे, तो भाई इस वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।